हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यार, पूरी केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब ना आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते, ठीक है। वैसे तो मतलब ये हर एक सब्जेक्ट के साथ है, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके बेसिक क्लियर होने ही चाहिए, बट ऑर्गेनिक में ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक में हमारी 4-5 वीडियोस होंगी, बट हाँ मैं एक चीज़ आपको श्योरली बोल सकता हूँ कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग नॉमन क्लेचर देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ नॉमन क्लेचर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर बिना नॉमन क्लेचर किए मैं 11th की ऑर्गेनिक या 12th की ऑर्गेनिक सीख सकता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। ये आपको बहुत जरूरी है करना। सो लेट्स स्टार्ट, और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊं, और आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तभी एक ऑनलाइन जो है एक लिंक सा बन पाता है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप सब उनके आंसर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम नॉमनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल कहते किसे हैं? नॉमनक्लेचर का सिंपल सा मीनिंग है नामकरण, ठीक है। एक होता है कॉमन नॉमनक्लेचर, एक होता है आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर। कॉमन नॉमनक्लेचर यार अलग अलग देश की अलग अलग स्टोरी है, तो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जो आपके कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट मोस्टली नॉमनक्लेचर हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्था है जो रूल बनाती है नॉमनक्लेचर के। और नॉमनक्लेचर करते टाइम ना सिर्फ ये बात याद रखिए, ये कभी भी कोई भी नाम गलत नहीं हो सकता, कभी भी, गारंटेड मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान रखते हो। मैंने इसको सिंपली याद रखा हुआ, ओके, मैंने इसको सिंपली याद रखा हुआ ऐसे करके, फिजिक्स वाला सर जानते हो सभी, है ना। तो क्या होगा, या फिजिक्स वाले सर। तो यहां पर सबसे पहले पी का मतलब होता है प्रीफिक्स, W का मतलब होता है वर्ड रूट, और S का मतलब होता है सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर रोहित शर्मा, ठीक है ना, मिस्टर रोहित शर्मा। अभी जो नाम से पहले यूज किया ना, ये है प्रीफिक्स, रोहित वर्ड रूट है, और शर्मा जो है सफिक्स है। प्रीफिक्स दो टाइप की होती है भाई, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है प्राइमरी। सफिक्स भी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अभी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होती है, इट टेल्स अस अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो चेन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकते हैं, बट उनका नाम हमेशा पहले आता है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे भाई बहन होते हैं, उनका काम क्या होता है, पुदीना लेके आना, धनिया लेके आना, ठीक है कि नहीं, मेहमान आ गया कि नहीं, छिपके वो देख लेना, वो वाला कुछ इनका काम होता है, बेचारे हमेशा पहले आते हैं, है ना। जैसे देखा हो तुमने कि ना बड़ी सी फैमिली है, तो बाइक पे आगे बैठा लेंगे छोटे वाले को, उसकी ऐसा है, ये सबसे छोटे हैं, इनकी इज्जत सबसे कम है, इनको सबसे पहले कर देते हैं। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स अस अबाउट चेन टाइप, कि चेन आपकी किस तरह की है। चेन कैन बी क्लोज्ड, कैन बी ओपन। ओपन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बट अगर क्लोज है तो उसके नाम के सामने हम लोग साइक्लो शब्द का नाम वर्ड यूज करने लग जाते हैं। जैसे अच्छा, वेरी नाइस साइक्लो, इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, तो हर कातिल जिंदा बानी। जैसे कि ये कार्बन है, इसे क्या बोलेंगे, ये तीन कार्बन है, तीन कार्बन को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं प्रोपेन, है ना, अगर मैं इसका नाम करूं। बट अगर यही कुछ ऐसे हो जाता, तीन कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाता, तो इसे हम लोग बोल रहे होते साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते बेटा जी, साइक्लोप्रोपेन। लेट्स टॉक अबाउट वर्ड रूट। वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के नंबर के बारे में बताता है। अगर कहीं पर कार्बन वन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीथ। अगर कार्बन टू है तो उसे क्या बोलेंगे, इथ। इस तरह से चलता है। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट बॉन्ड टाइप, कि बॉन्ड आपका किस तरह का है। बॉन्ड कैन बी सिंगल,
अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, बॉन्ड कैन बी डबल, डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं, और बॉन्ड कैन बी ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग आयन बोलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स सबसे बाद में नाम आ रहा है, सबसे बाद में नाम आ रहा है, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक क्रेडिट लेने का टाइम है, धोनी जैसे क्रेडिट लेते टाइम सबसे पीछे आ जाता है ना, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता था ऑल टाइम टीम में। सिमिलरली यहाँ पर भी सेकेंडरी सफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को चेंज रख करके रख देते हैं, जैसे कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी ना आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा हुआ है, अब अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो ये ऑर्डर होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, मिस्टर रोहित शर्मा, ठीक है, ये है ऑर्डर। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स टेल्स अस अबाउट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जैसे आर होते हैं, अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, एक्स हेलो, हेलो मतलब होता है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एनओ टू को नाइट्रो बोलते हैं, एनओ को नाइट्रोसो बोलते हैं, ओआर को एल्कोक्सी बोल देते हैं। क्लोज ओपन वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर कहीं पर क्लोज है तो उसे हम लोग साइक्लो बोल देंगे, अदरवाइज तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, और पॉसिबिलिटी है कि मैं एक दो चीज़ें गलत भी कर दूँ, तो समझ जाना रात का बहुत ज़्यादा समय हो गया था और तुम्हारी मैम ने मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, दैट्स वाई मेरे शब्द थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए बोलता हूँ। ओए बबलू शादी मत करियो। चलिए, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, दो कार्बन को इथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं, छह कार्बन को हेक्स बोलते हैं, सात कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन को ओक्ट बोलते हैं, नौ कार्बन को नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन को बबलू डेक बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना 11 कार्बन को 12 कार्बन को क्या बोलते हैं। इसके बाद बॉन्ड टाइप है, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा जी, हम लोग एन बोल देंगे। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसे क्या बोल देंगे, हम लोग इन बोल देंगे। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या बोल देंगे, हम लोग आयन बोल देंगे। सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको सीन बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले अल्कोहल है, अल्कोहल को हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम होता है ओल, ठीक है। अमाइन है, अमाइन को हम NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइन बोलते हैं। नाइट्राइल है, नाइट्राइल को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम इसका नाइट्राइल यूज किया जाता है। आइसोनाइट्राइल में NC हो जाता है, इसे आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन है, कीटोन इज C डबल बॉन्ड O, इसे ओन बोलते हैं। और यहाँ इसके बाद इंग्लिश की और केमिस्ट्री की बननी बंद हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश वाले इसको वन बोलते हैं बट केमिस्ट्री वाले इसको ओन बोलते हैं। एल्डिहाइड इज CHO, CHO इज अल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज C डबल बॉन्ड OOH, है ना, ये कुछ ऐसे होता है C डबल OH। और ये भाई साहब एक्चुअल में अमिताभ बच्चन होते हैं, अमिताभ बच्चन बोले तो जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जितने भी है ना, उनमें सबसे पावरफुल ये हैं, इन्हें बोला जाता है ओइक एसिड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एस्टर आता है, एस्टर इज C डबल बॉन्ड O, ऐसे कुछ होता है C डबल O, ऐसे इसका नाम होता है अल्काइल एल्कोनॉइड। इसके बाद अमाइड है, अमाइड इज CONH2, अमाइड ही बोलते हैं। इसके बाद एसिड हैलाइड है, COX, इसे ऑयल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है बेटा, और तो क्या ही है। अब नोमेनक्लेचर करते टाइम ना दो बातें होती हैं, एक नोमेनक्लेचर का रोल है, एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। इसको याद रखो, PNA को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पेंशन नहीं आई, प्यार नहीं आसान, प्यार आसान नहीं होता है ना, कैरियर बर्बाद करना पड़ता है तब जाके एक अच्छे वाला प्यार होता है, एक्सेप्शन हर जगह है। बाकी एज बिग ब्रदर सजेस्ट करूँगा, बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। किसी महापुरुष ने कहा है, तेरा भी कटेगा फिर तू भी पढ़ेगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, इससे अच्छा ये है। पेरेंट चेंज के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग करते हैं, और ए का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जब भी कभी नाम करते हैं तो कुछ इस तरह से, सबसे पहले पेरेंट चेन, एक बड़ी चेन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नंबरिंग करते हैं और फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा प्रेफर किसको किया जाता है, इसको याद रखने की ट्रिक है, गुरु, बिना,
सक्सेस नहीं, गुरु बिना सक्सेस नहीं, ये सत्य है। कहाँ है सक्सेस गुरु के बिना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम प्रेफरेंस में देते हैं ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। फिर हम लोग प्रेफरेंस देते हैं बॉन्ड को, बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, कैन बी डबल कैन बी ट्रिपल। एस, एस का मतलब होता है सब्सिट्यूएंट, या फिर आप लोग कह सकते हो वो जो सेमी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, जिनमें बाइक जिनको बाइक पे आगे उठाया जाता है सब्सिट्यूएंट। और एन लास्ट होता है बेटा नॉर्मल। ठीक है, पहले पूरा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, फिर इन कॉमन प्रीफिक्सेस पे भी आएंगे ये क्या होती हैं। अच्छा, अब नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है इन विच कार्बन कार्बन आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलते हो बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जैसे कि ये चेन है, ठीक है ना, तीन कार्बन है, तीन कार्बन क्या बोल देंगे? सिंपली प्रोप। और चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोल देंगे हम लोग एन, प्रोपेन। ठीक है, मान के चलो चेन में पांच कार्बन हो जाए, एक दो तीन चार पाँच, है ना, पांच कार्बन क्या बोल देंगे? पेंटेन। ठीक है, चेन में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, जैसे कि ये चेन कुछ ऐसे हो जाए, कार्बन 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 और कार्बन। सबसे पहला काम क्या होता है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। पेरेंट चेन का मतलब होता है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, या फिर अगर इधर बॉन्ड होते तो विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, अगर फंक्शनल ग्रुप होते तो जिसपे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, कुछ ऐसे। बट अभी सिर्फ कार्बन है तो हमारा फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, पेरेंट चेन हो गई। इसके बाद करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग ऑब्वियसली हम कुछ ऐसे करेंगे कि हमारा सब्सिट्यूएंट जल्दी आए। वन टू इधर से चलेंगे तो वन टू पे आता है, इधर चलेंगे तो वन टू थ्री फोर पे आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने नंबरिंग करनी है एक भूखे इंसान की तरह। वो भूखा यहाँ से चला तो दो पे एक चाउमीन की प्लेट आ रही है, और यहाँ से चला वन टू थ्री फोर पे एक चाउमीन की प्लेट आ रही है, तो उसको कहाँ से चलने में फ़ायदा है? ऑब्वियसली वो वहाँ से चलेगा जहाँ से उसको जल्दी पड़ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो टू पे एक कार्बन है, टू पे एक कार्बन क्या बोल देंगे बेटा जी हम लोग? टू मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? पाँच। तो पांच कार्बन क्या बोल देंगे बेटा जी? सिंपली हम लोग पेंटेन बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो बबलू। जैसे कि हमारी चेन हो गई, ठीक है, जैसे कि इसका नाम करना है और इसका नाम करना है, तो सिंपली क्या होगा भैया? चेन सेलेक्ट करेंगे तो पेरेंट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, उसके बाद होती है नंबरिंग। देखिए ये सब सब्सिट्यूएंट है और नंबरिंग हम ऐसे ही करेंगे जिससे कि हमें सब्सिट्यूएंट पास पड़े। यहाँ से चलें तो वन टू थ्री पे टू पे आ रहा है हमारा, और यहाँ चलते हैं तो वन टू थ्री पे, यहाँ से तो टू पे आ रहा है सब्सिट्यूएंट, इधर से चलते हैं तो थ्री पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? जहाँ से हमें जल्दी पड़ रहा है, तो हम यहाँ से चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखो चेन के बाद सब्सिट्यूएंट्स हैं, हमने उनका नाम करना है। टू पे अगर आप देखो तो एक कार्बन है, एंड दिस वन कार्बन इज नोन एज मिथाइल, है ना। अगर चेन के बाहर कार्बन है तो उसे अल्काइल बोलने लग जाते हैं। अब थ्री पे अगर आप देखते हो तो इधर है बीआर, एंड बीआर को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। आपने शायद रूल को ध्यान से सुना होगा, मैंने बोला पी एन ए, पेंशन नहीं आई, फिजिक्स नहीं आसान, प्यार नहीं आसान, कुछ भी। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कर चुके हैं, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं जब नाम कर रहे होते हैं। अब देखिए ये दोनों ऐसे हैं जो सब्सिट्यूएंट हैं, ये दोनों बोलेंगे कि मेरा नाम पहले आना चाहिए। तो नाम पहले किसका आएगा? ऑब्वियसली उसका आएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है। ए का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल मीन्स ए बी सी डी के ऑर्डर में। तो यहाँ पर बी आर का नाम पहले आने वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रो थ्री पे बी आर है, बी कैपिटल, थ्री ब्रोमो, टू पे एक कार्बन है बेटा तो टू मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है? चेन में पांच कार्बन है, पांच कार्बन क्या बोल देंगे हम लोग? पेंटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पेंटेन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो दोबारा करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको अलग बताने की कोशिश करता हूँ, और प्रयास करूंगा कि हर एक एग्जाम्पल आपको कुछ नई चीज़ सिखा के जा रहा हूँ। जैसे कि इधर एक कार्बन है और इधर एक बी आर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट दिस चेन, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन।
ठीक है ना। और कोशिश करना कि आप लोग ये नोट्स बना लेना, या फिर टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो इधर चलते हैं। 1-2 पे कुछ आ रहा है, इधर से चल रहे हैं 1-2 पे कुछ आ रहा है। अगर अलग अलग साइड से चलने पे सेम पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, इफ 2 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन। याद रखिए, देखो ऑर्डर ये है, जो पहले आए सो पहले, जो पहले आए सो पहले। बट अगर सेम पोजीशन पे है तब ये रूल लगाना है आप लोगों ने, एट सेम पोजीशन प्रेफरेंस विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग करोगे। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो तो इसको मिथाइल बोलते हैं, इसे ब्रोमो बोलते हैं। तो कौन आएगा भैया यहाँ पर पहले? इस साइड से चलेंगे, सेम पोजीशन का रूल है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, तो इसका नाम है Br, इसे क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 पे Br आ रहा है तो 2 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 4 पे एक कार्बन है सो 4 मिथाइल। ठीक है, चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन क्या बोल देंगे? पेंटेन बोल देंगे, बिना किसी संशय के, दिक्कत के, परेशानी के। आई थिंक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलो यार ये इधर चेन हो जाती है, ठीक है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इसमें क्या करेंगे? अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन। तो हम चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी चेन हो जाएगी। ठीक है ना, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो अगर इधर चलते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पे आ रहा है, इधर चलेंगे तो 1, 2, 3 पे कुछ आ रहा है। ऑब्वियसली हमें फायदा कहाँ से है? इधर से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पे एक कार्बन है विच इज नोन एज मिथाइल। 2 पे एक कार्बन क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइल बोलते हैं। उसके बाद 3 पे एक कार्बन है, और 3 पे एक कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल बोलते हैं। फिर 4 पे भी एक कार्बन है, और एक कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल बोलते हैं। अब अगर इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे तो ये तो सेम है, तो इसमें किसका नाम पहले आएगा? यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हो, आपको पता होना चाहिए। देखिए कार्बन्स का तो हमें पता ही है कि कार्बन्स का क्या रूल होता है, कार्बन को मिथ बोलते हैं। ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? जैसे एक जैसे ग्रुप एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पर एक ग्रुप को कुछ नहीं बोलते, अगर दो ग्रुप हैं तो उन्हें बोलते हैं डाई, तीन हैं तो उन्हें बोलते हैं ट्राई, चार हैं तो उन्हें बोल देते हैं टेट्रा, पांच हैं तो उन्हें बोल देते हैं पेंटा, छह हैं तो उन्हें बोल देते हैं हेक्सा। छह से ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हेप्टा ओक्टा इस तरह चलता है। और अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए या कॉम्प्लेक्स ग्रुप आ जाए, अब आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स ग्रुप किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ग्रुप वो होते हैं जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ जाता है, विच ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई इन देयर नेम। ठीक है ना, जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ जाए ना, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं। ऐसे केसेस में दो को क्या बोलते हैं बेटा? दो को बोलते हैं बिस। तीन को क्या बोलते हैं? तीन को बोलते हैं ट्रिस। चार को क्या बोलते हैं? चार को बोलते हैं टेट्राकिस। पांच को पेंटाकिस। छह को हेक्साकिस एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी आगे घटित होती चली जाती है। चलो बहुत शानदार। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक जैसे ग्रुप तीन आ गए हैं, कहाँ कहाँ पर है? 2 पे 3 पे 4 पे, 2, 3, 4, तीन एक जैसे ग्रुप हैं, तो ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब चेन पे आ जाओ, चेन में किसी को क्या बोलने वाले हैं भाई? चेन में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा दी? 6 कार्बन को हम लोग हेक्सेन बोल देंगे। इधर आ जाइए, देखो जैसे कि अच्छा एक आप लोगों के लिए है, जैसे कि इसका नाम कर दीजिएगा सही बच्चे कमेंट सेक्शन में, ये प्रॉपर प्रॉब्लम नंबर 1 है।
ठीक है, थर्ड पोजीशन पे लगाया ना। चलो ये आपके लिए प्रॉब्लम नंबर वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक किसे बोलते हैं? जो बंद स्ट्रक्चर होते हैं। बंद स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल सा फंडा है, देखिए जैसे कि ये है, अब इसे क्या बोलेंगे आप, देखो इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसे बोल देंगे साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है ना। अच्छा ओके, बहुत शानदार। अगर ये ऐसे हो जाए, अब इधर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, क्लोज स्ट्रक्चर भी है और ओपन स्ट्रक्चर भी है, फिर इसमें क्या करोगे बेटा, ऐसे केसेस में क्या करते हो, जिसमें ज्यादा कार्बन है ना उसको मेन चेन मानते हैं, ठीक है। अब इधर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, और ओपन में कितने हैं, तीन है, तो ये वन, वन पे तीन कार्बन है, वन प्रोपाइल, और चेन में कितने, चेन साइक्लिक है तो साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब जो कार्बन चेन के बाहर हो जाते हैं ना उनको अल्काइल बोलने लग जाते हैं हम लोग, आयल बोल देते हैं, ठीक। अगर ऐसा हो जाए, मान के चलो जैसे कि ऐसा हो जाए, कार्बन 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 कार्बन, मान के चलो ऐसा हो जाए। अब इस केस में क्या होगा, इसमें आपके पास ओपन चेन भी है क्लोज चेन भी है, तो किसको मेन माना जाए, मैंने बोला जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको मेन मान लोगे, अभी तो क्योंकि सिर्फ कार्बन है ना, अगर बॉन्ड होते तो हम बॉन्ड देखते, जिसमें ज्यादा बॉन्ड है उसको मेन मानते, अभी सिर्फ कार्बन है, तो अगर सिर्फ कार्बन है ना चेन में तो आपने देखना कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन किधर हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन इधर हो रहे हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करोगे आप, नंबरिंग आप ऐसे करोगे कि आपको वो जल्दी पड़े, है ना, जो ग्रुप है चेन के बाहर, वन टू थ्री फोर फाइव, टू पे बाहर की तरफ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसे बोल देंगे टू साइक्लो, और तीन कार्बन है तो टू साइक्लो प्रोपाइल, चेन में कितने कार्बन है, पांच, पांच कार्बन क्या बोल देंगे हम लोग, पेंटेन बोल देंगे, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मान के चलो बराबर हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मान के चलो ऐसा हो जाता है, अगर ऐसे हो जाता तो किसको मेन मानते भाई, तब आप लोग मेन मानते साइक्लिक स्ट्रक्चर को, अगर बराबर है। देखो वैसे जिसमें ज्यादा उसमें ज्यादा, अगर बराबर कार्बन है ओपन में भी क्लोज में भी, तब आप क्लोज को मेन मान लोगे, ठीक है। तो ये क्लोज तो मेन हो गया, अब इसमें कितने कार्बन लगे हुए हैं आप अगर नोटिस करो तो इसमें पांच कार्बन लगे हुए हैं, और साइक्लिक में ये फर्स्ट पोजिशन है तो इसका नाम हो जाएगा वन, पांच कार्बन क्या बोलेंगे, पेंटाइल, और साइक्लिक स्ट्रक्चर मेन है तो साइक्लो, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ, और चेन में कितने कार्बन है, पांच, तो साइक्लो पेंटेन, गेटिंग माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान के चलो यार कुछ ऐसा हो जाए, ये है, ठीक है, ये सीएल है, इधर बीआर है, अब आप किसको मेन मानोगे। देखिए बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप किसी को मर्जी फर्स्ट पोजीशन दे सकते हो, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट उसको दोगे बीआर और सीएल में से, जब आपके पास मौका है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे, तो ये वन पे बीआर है। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलो आप लोग, ऐसे चल लो, या फिर क्लॉकवाइज चल लो। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको फोर्थ पोजीशन पे सीएल मिलेगा, अगर आप ऐसे चलते हो तो ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर्थ पोजीशन है, और अगर ऐसे ही चल लो तो फर्स्ट पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली आप वहां से देखोगे, बिजनेसमैन बन जाना है, यहाँ बिजनेसमैन बोले तो जहां से ज्यादा फायदा लग रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा वन, बीआर को क्या बोल देंगे, ब्रोमो, और टू पे सीएल है, वन ब्रोमो टू क्लोरो, वन ब्रोमो टू क्लोरो, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और चार कार्बन है चेन में तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, क्लियर है। तो प्रॉब्लम नंबर टू है आपके लिए, कुछ इसका नाम ट्राई कीजिएगा, और जिनके आंसर सही होंगे ना उनको मैं हार्ट देता चलूंगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, फर्स्ट पोजीशन देने के बाद आपको सेकंड पोजीशन के लिए भी सोचना है, बहुत इजी है, ट्राई करना। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं बेटा आप लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है, इन विच कार्बन कार्बन आर अटैच्ड टू ईच अदर, अटैच्ड टू ईच अदर बाय एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड, एटलीस्ट
वन मल्टीपल बॉन्ड। अगर चेन में कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि या तो इधर डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर उधर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? आइन बोलते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ये कार्बन की चेन हो गई, आपने इसका नाम करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कितने कार्बन है? इसमें तीन कार्बन है, 1 2 3, है ना। तीन कार्बन क्या बोल देंगे? प्रोप। और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में बॉन्ड है, तो आप देखो किस पोजीशन के बाद आ रहा है। देखो अगर हम इधर से चल रहे हैं ना, तो फर्स्ट पोजीशन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप वन ई। अगर यही मान के चलो कुछ ऐसे हो जाता, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फिर कार्बन फिर कार्बन, चेन सेलेक्ट कर लोगे, तो इसमें किसका नाम क्या आएगा भाई? इसमें आप किसी भी साइड से चल सकते हो, एक ही बात आएगी। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम आएगा ब्यूट, और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट 2 आइन इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट करते हैं इसका नाम, कार्बन 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 कार्बन। ओके, इधर डबल बॉन्ड है और इधर है Br। अब कहाँ से चलोगे आप? अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर इधर से चलो, 1 2 पे Br आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे Br आ रहा है ना, और इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 पे Br आ रहा है, सर हम वहाँ चलेंगे जहाँ से Br जल्दी आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, अगर ये बात तब तक सही है अगर यहाँ पे सिर्फ कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होते और इधर भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट लगे होते, तो हमारी कोशिश होती सब्स्टिट्यूएंट को जल्दी लेके आना, बट कहानी ऐसी है नहीं। तो कहानी कैसी है सर? कहानी का मैंने बताया ना, गुरु बिना शिक्षा नहीं, गुरु बिना शिक्षा नहीं, जी बी एस एन। हमारा सबसे पहला पर्पज क्या होता है कि हम फंक्शनल ग्रुप को जल्दी से जल्दी लेके आए। दूसरा पर्पज होता है अगर ग्रुप नहीं है तो हम बॉन्ड को जल्दी से जल्दी लेके आए, अगर बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को जल्दी से जल्दी लेके आए, और नॉर्मल तो नॉर्मल चलते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं रह गए हैं, इसमें बॉन्ड आ गए हैं, तो हमारा पर्पज है बॉन्ड को जल्दी से जल्दी लेके आना। और बॉन्ड कहाँ से जल्दी आ रहा है भाई? यहाँ से, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करते हैं। चेन सेलेक्ट करने का पर्पज क्या है? बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन मैटर नहीं करते, अब बॉन्ड मैटर करते हैं। हमारी कोशिश है कि बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा चेन में, रिपीट करता हूँ, आप आगे बढ़ोगे। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन था, सिंगल बॉन्ड था, तो हमारा पर्पज था ज़्यादा कार्बन लेके आना। अब बॉन्ड अनसैचुरेटेड में बॉन्ड आ गए हैं, तो हमारा पर्पज है बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना। आगे फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो हमारा पर्पज रहेगा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना। ये पेरेंट चेन की सिंपल सी कहानी है, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो नाम करते हैं, नाम किसको होगा मेरे बबलू को पहले? तो 4 पे Br है, 4 पे Br को क्या बोल देंगे? 4 ब्रोमो, है ना। और चेन में कितने कार्बन है भाई? 5, 5 को क्या बोल देंगे? पेंट। और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पेंट 1 आइन इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ो, मान के चलो ऐसा हो जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखिए इसमें क्या करोगे, और आपकी सहूलियत के लिए मैं मान लो इधर Cl भी लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन, तो ये चेन हो जाएगी जिसमें ज़्यादातर मल्टीपल बॉन्ड है। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ए लेफ्ट से, बी राइट से। ठीक है, देखो बेटा मल्टीपल बॉन्ड है और हमारा पर्पज क्या है कि हम उनको जल्दी से जल्दी लेके आए। यहाँ चले तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ चले तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पर्पज है मल्टीपल बॉन्ड को जल्दी लेके आना। ये मैटर नहीं करता डबल ट्रिपल, ये मैटर नहीं करता सच में। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का होता है, 3 पे Cl है, तो 3 पे Cl को हम लोग क्या बोल देंगे? 3 क्लोरो। चेन में आओ, चेन में कितने कार्बन है भाई? 7, 7 को क्या बोल देंगे? हैप्ट। ठीक है, अब दो अलग अलग तरह के बॉन्ड हो गए हैं, तो उनका नाम कैसे होगा? उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। अगर आप देखो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज आइन, एंड 4 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज नोन एज ईन। ठीक है ना, तो 4 पे डबल बॉन्ड इन पहले आएगा जब नाम करोगे, तो नॉमन क्लेचर करते टाइम आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अगर 2 4 सब्स्टिट्यूएंट होते तो उनका देखते कि किसका नाम पहले आ रहा है, बॉन्ड है तो उनका नाम देखोगे कि किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा है।
फोर इन और वन आइन। चलिए अब यहाँ पे ना आपके लिए एक बढ़िया सा रूल आ गया है। इस रूल को क्या बोलते हैं मेरे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था कि बीच बीच में तुम्हें एक दो रूल सिखाता जाऊँगा। यहाँ पे एक वोवल रूल आ जाता है, काम आएगा वोवल रूल। वोवल रूल किसे कहते हैं? नो टू वोवल प्रेजेंट विद ईच अदर। दो वोवल एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, और वोवल से मेरा तात्पर्य है ए आई ई ओ यू वाई हैं। ये अलग से इंग्लिश आ गई, वाई कब से वोवल हुआ? अभी कुछ दिन पहले हुआ है, मजाक कर रहा हूँ। मतलब वाई इज सेमी वोवल। अगर आप वाई एन ई का नाम बोलोगे तो आइन की साउंड आ रही है। अगर आपको याद हो कुछ ऐसा होता था, हार्स होता था, एच ओ यू आर एस, है ना, तो उसमें भी वोवल की साउंड आती थी, तो एच को भी वोवल काउंट कर लेते थे। तो यहाँ पर भी वाई की जो साउंड है वो वोवल वाली आ रही है, या फिर इसे कह सकते हो सेमी वोवल होता है, तो इसको हम वोवल कंसिडर कर सकते हैं, मतलब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वोवल तो वाई हो गया, एक वोवल ई हो गया, तो एक को उड़ाना है। ठीक है सर, वाई को उड़ा दो, वाई अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, अच्छा वाली बात नहीं होती, अगर मैंने वाई उड़ा दिया तो इसकी सेंस चेंज हो जाएगी। अगर इसका ई उड़ा दूं तो इन की सेंस चेंज नहीं होती है, वो स्टिल इन ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लिया करो, हैं अच्छा नहीं लग रहा, बातें करवा लो इनसे जितनी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई जो पहले आ रहा सो पहले आ रहा है। इन केस कभी ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पे है, देन अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सब्स्टिट्यूट में भी कराया था, यहां पर भी करा रहा हूं। इफ टू डिफरेंट बॉन्ड, टू डिफरेंट बॉन्ड, टू डिफरेंट से मेरा मतलब है डबल एंड ट्रिपल, आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, अगर वो सेम पोजीशन पर प्रेजेंट है तो क्या होगा? प्रेफरेंस विल बी गिवन, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। व्हाई? ड्यू टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सेम पोजीशन पे है ना, तब डबल बॉन्ड को प्रेफर करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ई पहले आता है, उसको आइन बोलते हैं, वाई बाद में आता है, ठीक है। तो इधर कुछ ऐसे चल लेंगे, 1 2 3 4 5 पैंट है ना, पैंट और वन पे डबल बॉन्ड है, वन इन और भाई फोर आइन है ना, और क्या करेंगे इसका ई काट देंगे, मतलब मैंने इसे कट किया बट तुम प्रॉपरली काट देना, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ना कभी एक चेन में ना एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, जैसे इसमें हो गए, इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, वर्ड रूट एंड्स विद ए। ऐसे केसेस में वर्ड रूट को आप ए के साथ एंड करने लगते हो, जैसे कि ये चेन हो जाएगी, ठीक है। तो पांच कार्बन है तो पेंट सिंगल बॉन्ड पेंटा, और 1 2 3 4 5 वन पे और फोर पे दो डबल बॉन्ड है, पेंटा 1 4 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। अब इनमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे कि ये आ गया, इसको क्या बोल देंगे 1 2 3 तो इसे क्या बोल देंगे? साइक्लो, तीन कार्बन है तो साइक्लो प्रोप, और वन पे डबल बॉन्ड है प्रोप वन इन, साइक्लो प्रोप वन इन। जैसे मान के चलो ये है, ये हो जाए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 गलत चला गया मैं। देखिए अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सही है ना, वन पे भी डबल बॉन्ड आ गया टू पे भी, ऐसा नहीं है। आप वन की तरफ से चलो ना, तो आप वन के इधर उधर घूमोगे तो वन पे तो सिंगल बॉन्ड है, टू पे डबल है, थ्री पे सिंगल है, फोर पे डबल है। तो मतलब थोड़ा सा इसको देख लेना कि आप कर क्या रहे हो, उस चीज़ की सेंस क्या बन रही है। हमने थोड़ी किया है, आपने तो किया ही। चलिए
जैसे कि हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम हो जाएगा, पहली बात है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इनके बाहर तो कुछ है नहीं, साइक्लो चार कार्बन है, तो ब्यूटा, ब्यूटा क्यों लगा रहे हो सर, एक से ज़्यादा एक ही टाइप के मल्टीपल बोन प्रेजेंट है, ब्यूटा 1,3-diene, क्लियर है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि एक चेन है, अब बताओ इसमें कौन सी चेन मेन होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर मेन होगी या ओपन चेन मेन होगी। हाँ सर आपने बोला था कि जिसमें ज़्यादा है वो मेन है, ठीक है, पांच कार्बन ज़्यादा है, बिल्कुल मैंने बोला था अगर चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन होते, अब मल्टीपल बॉन्ड है तो भैया हमारा काम है इसको, ये हमारे पास मेन चेन होगी इस केस में, ठीक है, ये वाली जो है मेन चेन हो जाएगी। अब इसको हमारा पर्पस भी यही है बेटा, मैं बोल चुका हूँ पेरेंट चेन वो होती है फर्स्टली जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा हो, फंक्शनल ग्रुप है तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो। तो इधर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 3 पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंटाइल चेन नहीं है ना वो मेन, साइक्लो पेंटाइल चेन पे आओ, चेन में कितने कार्बन है भाई, चेन में कार्बन है 4, तो ब्यूट और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1-ene इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हमने इसको 1, 2, ठीक है, हम इस तरफ चलेंगे, ये 3, ये 4, ये 5, पहला काम क्या होता है, किसका नाम पहले करते हैं हम, सब्सिट्यूएंट्स का नाम पहले करते हैं, 3 पे Br है, Br इज नोन एज ब्रोमो, एक कार्बन है, 1 कार्बन इज नोन एज मिथाइल, ठीक है ना, Cl है तो क्लोरो। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, 3 पे Br है 3 ब्रोमो, ठीक है, 4 पे कार्बन है 4 मिथाइल, चेन में कितने कार्बन है मेरे भाई, चेन में पहली बात अभी तो 4 में गलत लिख दिया मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 4 मिथाइल नहीं आएगा, पहले 5 क्लोरो आएगा, 5 क्लोरो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर नंबरिंग और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम, 5 क्लोरो 4 मिथाइल, ये हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम निपटा दिए हैं। अब चेन पे आ जाओ, चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना, तो साइक्लो और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन है पेंट और 1 पे डबल बॉन्ड है, साइक्लो पेंट 1-ene इसका नाम हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट और नोट। तो ये है, बाकी जितने मर्जी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, देखो बेटा नोमेनक्लेचर मतलब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर भी करने पे आए हम 3 घंटे में करेंगे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे एग्जांपल बन सकते हैं। तो अब क्योंकि वन शॉट है और ऐसे ही है भाई जिससे जनरली क्वेश्चन आपके बनेंगे और आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, वर्णा ऑर्गेनिक का कोई हद नहीं है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, जो मर्जी कर लो। तो अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल को हम लोग OS से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ओल बोलते हैं, ठीक है, ओल बोल तो दारू 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 है ना, जो ना नाचे उसको मारू, प्रस्तुत पंक्तियां, मेरी फेवरेट सिंगर क्या नाम था उसका, दिनचक पूजा जी द्वारा कही गई है। 1, 2 है ना, इथेन एंड 1 पे OH है, 1 ol। अब आप बोलोगे कि सर आपने इथेन के एंड में ई क्यों नहीं लगाया, वोवल रूल, वोवल से स्टार्टिंग हो रही है तो वोवल से एंडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे मान के चलो चेन में 3 कार्बन हो जाए, इधर OH लग जाता है तो इसका नाम क्या होगा, पहले चेन 1, 2, 3 प्रोपेन एंड 2 पे OH है तो प्रोपेन 2 पे ol लग जाएगा। मान के चलो हमारे पास एक बड़ी सी चेन है और उधर हमारे पास 2 OH लग जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन ब्रो, दिस विल बी योर चेन है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटेन है ना, इसमें ई लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हो सर इसमें ई, क्योंकि 2 पे और 4 पे 2 OH हैं, 2 OH को हम डाईओल बोलते हैं, ठीक है, तो डी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है ये, वोवल नहीं है, ओके बहुत शानदार। अगर मान के चलो ऐसा हो जाए, इधर मान लो Cl लग जाए, इधर मान लो OH लग जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन, दिस विल बी योर चेन है ना, नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से कि राइट से,
बताया गुरु बिना सक्सेस नहीं। तो गुरु, गुरु मतलब ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ओवेच एक प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा पर्पज है कि फंक्शनल ग्रुप को जल्दी लेके आए। सीएल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसको जल्दी नहीं लेके आना हमने, तो बेटा जी इसको जल्दी लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 सर मान के चलो सीएल फर्स्ट पे होता, अभी तो सेकंड पे है, दोनों सेकंड पे थे, तो आपने ओएच फंक्शनल ग्रुप, अगर सीएल फर्स्ट पे भी होता ना तब भी हम ओएच को जल्दी लेके आते, तब भी हमारा काम होता फंक्शनल ग्रुप को जल्दी लेके आना। चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, 4 पे सीएल है तो 4 क्लोरो, चेन में कितने कार्बन है ब्रो, 5 कार्बन है, पेंटेन, एंड 1 पे और 2 पे ओएच है पेंटेन 2। अच्छा जैसे कि हमारे पास ये हो जाए, अब इसमें कहाँ से चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, नो डाउट ये हमारी चेन हो जाएगी, ठीक है। अब चाहे लेफ्ट से चल लो 1 2 3 पे ओ एच आ रहा है, चाहे राइट से चल लो 1 2 3 पे ओ एच आ रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉन्ड, हमारा काम है बॉन्ड को जल्दी लेकर आना, जो इधर से जल्दी आ रहा है, तो बेटा जी यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट का होता है, आप देखो 4 पे BR है तो 4 पे BR को क्या बोल देंगे, 4 ब्रोमो, चेन में कितने कार्बन है भाई, चेन में है 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोल देंगे पेंट, 1 पे डबल बॉन्ड आएगा पेंट 1 इन, एंड 3 पे OH है 3 ओल, 4 ब्रोमो पेंट 1 इन 3 ओल इसका नाम हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ो, जैसे कि हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर OH लगा हुआ है और इधर आपके 2 कार्बन लगे हुए हैं, इधर आपका मान लो BR लगा हुआ है, तो आप कहाँ से चलोगे, ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन तो आप OH को ही दोगे 1। अब सेकंड पोजीशन पे अगर आपको चलना है तो आप इधर से भी चल सकते हो, इधर से भी चल सकते हो। फर्स्ट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के देने के बाद आपका काम है कि सब्स्टिट्यूएंट जल्दी लेके आए। अब दोनों ही तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे है, और अगर सेम पोजीशन पे तो आपको पता है मिल भी सब्स्टिट्यूएंट रहे हैं, पोजीशन भी सेम है, उस टाइम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ये सब्स्टिट्यूएंट है, BR इज ब्रोमो, 4 पे 2 कार्बन है इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम आएगा 3 ब्रोमो, है ना 3 ब्रोमो, और 4 पे 2 कार्बन है 4 इथाइल, चेन में कितने कार्बन है भाई 5 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और 5 कार्बन क्या बोल देंगे पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, 1 पे OH है पेंटेन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा जैसे कि हमारे पास 2 कार्बन है और 2 लगातार कार्बन पे ना 2 OH हो जाएं, तब उसका नाम क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि ये 2 कार्बन हो जाएंगे, है ना, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोल देंगे भाई इथेन, है ना, 1 पे और 2 पे 2 OH है, इथेन 1 2 डाइओल, और इसका ना कॉमन नेम होता है मेरे भाई और बहनों ग्लाइकोल, ठीक है ना, मैंने बोला था कुछ के कॉमन नेम है जो जनरली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको जरूर लिखाऊंगा, ग्लाइकोल है। जैसे कि ये कार्बन की चेन है, इधर मान के चलो आपके पास OH लग जाए तो इसे क्या बोल देंगे भाई, 3 कार्बन है, 3 लगातार कार्बन पे OH है तो प्रोपेन, 1 पे 2 पे और 3 पे OH है प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, और इसका कॉमन नेम है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज ग्लिसरोल, ग्लिसरोल एक क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए भी छोड़ दूँ एक और एग्जांपल, 3rd है, आप लोगों ने ट्राई करना है, इजी कर देंगे भाई तुम्हारे लिए, मुश्किल नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी रखूँगा, चलो इसी पोजीशन पे सीएल लगा देखते हैं कितने में, ये 3rd है, ठीक है, और जरूरी है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट है अमाइंस, अमाइंस बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, अमाइंस ना एक ग्रुप है, ठीक है, मतलब एक फैमिली है, अमाइंस को हम लोग RNH2 बोल सकते हैं, RNH2 ये प्राइमरी अमाइन होते हैं, ठीक है, पॉसिबल है कि नाइट्रोजन 2 तरफ कार्बन से बॉन्ड और बना ले, R मीन्स होते हैं अल्काइल, 2 तरफ कार्बन से बॉन्ड बना लेगा तो इसे बोल देंगे सेकेंडरी अमाइन, पॉसिबल है कि ये 3 तरफ कार्बन से बॉन्ड बना ले तो इसे हम लोग बोल देंगे टर्शियरी अमाइन, ठीक है, आई थिंक तो ठीक है। चलिए
तो चेन पे आते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन की एक चेन है, तो उसे क्या बोल देंगे, ये है ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास चेन होगी 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। एंड वन पे NH2 है, ब्यूटेन वन अमाइन। ब्यूटेन का ई क्यों नहीं लगा, बिकॉज वोवल से स्टार्टिंग हो रही है, वोवल से एंडिंग नहीं होगी ठीक है। अगर ऐसे हो जाता है, ये मान के चलो कि ये ऐसे है, आप लोगों ने इसका नाम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, तो ये हमारी चेन हो जाएगी 1, 2, 3, तो प्रोपेन, और 2 पे NH2 है भाई, तो प्रोपेन 2 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। मान के चलो ये कार्बन की चेन हो जाए ठीक है, इधर NH2 है, इधर NH2 है ठीक है। ऐसे केसेस वैसे देखने को नॉर्मल मिलेंगे नहीं, ये हम अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, चेन में कितने कार्बन है भाई, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन है ना, 2 पे और 3 पे 2 अमाइन है, 2, 3 डाई अमाइन है कि नहीं। सिंपली इसमें ई लग जाएगा, कुछ डी से स्टार्टिंग हो रही है। अच्छा मान के चलो ऐसा हो जाए, ये NH2 है और ये Cl है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना 6 कार्बन के साइक्लिक स्ट्रक्चर को बेंजीन मानते हैं, भाई ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन तब होता है या तो इधर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लग जाता है या फिर इधर रिंग लगा होता, दोनों में से कुछ भी नहीं है ठीक है। तो ये होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है Cl, 2, 3, 4 है ना। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले होता है 4Cl, Cl है तो क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या होता है, चेन का टाइप बताते हैं, ओपन है कि क्लोज है, चेन क्लोज है तो साइक्लो, चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, एंड 1 पे NH2 है, 1 अमाइन, क्लियर है, बहुत सिंपल है, इसका ई हम लोग कट कर देंगे। आगे आ जाओ चेन पे। अब जैसे मान के चलो ये बहुत सिंपल था अभी तक, तो चलो NH2 आ रहा है, बट अभी क्या करें, अभी क्या करें, अब तो NH2 या तो चेन के बाहर था, किसी किनारे पे था, या चेन में बाहर कहीं लगा हुआ था, बट अब वो चेन के बीच में घुस गया है। इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, आप एक पेरेंट चेन बनाओगे, और पेरेंट चेन में सिर्फ कार्बन हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं होते चेन में ठीक है। सर आपने तो बोला था फंक्शनल ग्रुप लेने हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप लेने हैं का मतलब ये था कि उस चेन पे ज़्यादा ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लेने हो, चेन में कार्बन ही हो सकते हैं। तो अब देखो 3 कार्बन की चेन मेन होगी या 2 कार्बन की चेन मेन होगी, ऑब्वियसली 3 कार्बन की चेन मेन होगी। तो ये 2 कार्बन इधर क्या बन जाएंगे, ये इधर बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स ठीक है। तो 1, 2, 3, और ये 2 कार्बन चेन पे नहीं लगे हुए, ये एन से जुड़े हुए हैं, तो इन 2 कार्बन क्या बोलेंगे, एन 2 कार्बन क्या बोल दिया आपने, इथाइल। इसका नाम हो गया, चेन पे आ जाओ, चेन में कितने कार्बन है, प्रोपेन, और 1 पे NH है, प्रोपेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि ना आपके पास ये हो गया कार्बन 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 कार्बन, एन कार्बन, और इधर है 2 कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन ठीक है। अब फिर ये तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे सर है ना, ये क्या जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ऑब्वियसली हम उस चेन को मेन मानेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा है। तो 1, 2, 3, 4, अब ये एन पे इधर 1 कार्बन है, विच इज नोन एज मिथाइल। एन पे इधर, अब ये अलग अलग है, ये मत बोल देना सर एन पे 3 कार्बन हो गए, बार वो कार्बन अलग तरफ से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन नीचे वाला अलग तरफ से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इथाइल ठीक है ना। तो इसका नाम होगा एन इथाइल, उसके बाद एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन, और 1 पे ही है एन, एन को हम अमाइन बोल देते हैं, क्लियर है। आगे आ जाइए, बहुत शानदार। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैंग भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एन कार्बन कार्बन कार्बन। अच्छा इधर Br भी मान लेते हैं, चलो अब बताओ मेन चेन कौन सी होगी, 100 ज़्यादा कार्बन, 3 कार्बन, भाई ऐसा नहीं होगा। वो कार्बन तब तक मेन होते हैं ज़्यादा जब तक सिर्फ कार्बन होते हैं, अब मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो मेन चेन आप उसको मानोगे, पेरेंट चेन आप उसको मानोगे जिसमें बॉन्ड आ जाए,
कभी कहते हो ज्यादा कार्बन लेने हैं, ज्यादा कार्बन तब तक मैंने जब तक सिर्फ कार्बन है, कितनी बार बोल लूं यार। ठीक है, तो इधर ये है और इधर ये है, इसे क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ब्रोमो, इसे क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज प्रोपाइल। ठीक है, ठीक है, चल तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम पहले आएगा, एन पे बी आर है, एन ब्रोमो, वन टू एन ब्रोमो, फिर एन पे ही तीन कार्बन भी हैं, एन प्रोपाइल, एन इधर पोजीशन के रूप में यूज किया जा रहा है। चेन में कितने कार्बन है, दो, दो को क्या बोलेंगे, इथ, वन पे डबल बॉन्ड है वन इन, और वन पे ही एन है तो वन अमाइन, अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, चलो फिर इसी बात पे अच्छे एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल आपको दे ही देते हैं भाई। भाया ये लो, इजी सा क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करना, ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। ठीक है, पॉज करके पहले आंसर लिख देना इसका। चलिए नेक्स्ट है कीटोन्स, कीटोन्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते क्या है इसको, ऑन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कार्बन, कार्बन, अच्छा ये ना चेन के बीच में ही आते हैं, जैसे कि ये तीन कार्बन हो गए ना, तो इसे क्या बोल देंगे, प्रोपेन, वन टू थ्री, टू पे कीटोनिक ग्रुप है, प्रोपेन टू, ऑन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा हो जाए, ऐसे वाले केसेस को कैसे करेंगे, कितने कार्बन हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है ना, और भाई साहब थ्री पे कीटोनिक ग्रुप है, पेंटेन थ्री ऑन इसका नाम हो जाने वाला है। आगे बढ़ो, तो जैसे कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो गया, इसका नाम क्या होगा, अब देखो ये अच्छा साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना आप किसी भी जगह को फर्स्ट पोजीशन दे सकते हो, आपको ये देखना है कि फायदा कहाँ से है, वन टू थ्री फोर फाइव, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, पांच कार्बन है पेंटेन, एंड वन पर ही कीटोनिक ग्रुप है, पेंटेन वन ओन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कार्बन की चेन हो जाए, अब देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट दी चेन, तो ये हमारी चेन हो जाएगी, है कि नहीं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो वन टू थ्री फोर है ना। अब चार कार्बन है तो ब्यूट, और भाई साहब थ्री और फोर के बीच में बॉन्ड है थ्री इन, टू पे कीटोनिक ग्रुप है टू ऑन, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी लुक लाइक होता है बिल्कुल, इधर भी ऐसे सी डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ को ना कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है ना उसे कार्बोनिल बोलते हैं। इसमें इधर एक तरफ एच आ जाता है, जैसे इसमें ना कीटोन में एक तरफ एच नहीं आता, इसमें दोनों तरफ कार्बन सी लगते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफ एच लगता है, दूसरी तरफ कुछ भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब इधर ना इसका नाम में बड़ा सीन रहता है, इसका नाम एक जगह पे आप लोग अल करते हो, अल, अल कब करते हो, इफ कार्बन ऑफ सी एच ओ इंक्लूडेड इन चेन, अगर आपने सी एच ओ के कार्बन को चेन में इंक्लूड कर लिया देन, या फिर इसका नाम क्या हो सकता है, कार्बल्डिहाइड भी हो सकता है, कार्बल्डिहाइड, और कार्बल्डिहाइड कब होता है, इफ कार्बन ऑफ सी एच ओ इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन, अगर आपने उसको चेन में इंक्लूड नहीं किया देन, ठीक है ना, इफ कार्बन ऑफ सी एच ओ इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ, जैसे कार्बन कार्बन की चेन है, सी एच ओ है, भाई साहब एक्चुअली में अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन मतलब चेन में भी आना है इनको, और जहां ये खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, ये चेन हो जाएगी, ठीक है ना, वन टू थ्री, इनका कार्बन चेन में इंक्लूड कर चुके हो, तीन कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड वन पे सी एच ओ है, प्रोपेन वन एल, मान के चलो कुछ ऐसा हो जाए, क्या लगता है चेन कौन सी होगी, अब चेन ये मत बोल देना कि सर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनका कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन मैटर नहीं करते हैं भाई, नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ तब तक मैटर करते हैं अगर चेन में सिर्फ कार्बन थे,
इधर फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं और स्पेशली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अमिताभ बच्चन होते हैं, जहां खड़े होते हैं लाइन में शुरू होती है, तो इनके कार्बन को चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। कर लिया, उसके बाद नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करें भाई? अच्छा, अब दो तरफ अमिताभ बच्चन आ गए हैं तो फायदा देखो। अब इसको फर्स्ट बोल दे तो सेकंड पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, इसको फर्स्ट बोल दे तो सेकंड पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फायदा देखेंगे। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे इधर। तो बेटा जिसका नाम क्या होगा, 2 इथाइल है ना, 3 पे एक कार्बन है, 3 मिथाइल, चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन 1 पे और 4 पे 2 OH हैं, 1,4-diol इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ो इसी बात पे, जैसे ना ये हो जाए यार कभी, जैसे कि ये हो गया। अब जैसे ये है, अब CHO लगा हुआ है चेन में, बट आप इस CHO को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि चेन तो साइक्लिक है। तो इस केस में क्या होगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 5 कार्बन क्या बोल देंगे भाई, साइक्लो। 5 कार्बन को बोल देंगे पेंटेन, एंड 1 पे CHO लगा है मेरे भाई, 1। आप इसके CHO को चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हो, 1 कार्बनडिहाइड। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा, बात समझ रही मेरी? मैंने क्या बोला कि अगर आप उसका चेन में कार्बन इंक्लूड कर लेते हो तो अल है, अगर आप उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हो देन वो कार्बनडिहाइड है। दूसरा एग्जांपल देकर समझाने की प्रयास करता हूं, जैसे कि ये है, ऐसा हो गया। अच्छा थोड़ा मुश्किल करूं इसको, मुश्किल कर देता हूं, लो ये मुश्किल हो गया। अब क्या होगा, किसको मेन मानोगे? एक जगह पे 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एक जगह 4 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को मेन मानना है, ठीक है ना। ये ऑर्डर ऐसे होता है, सैचुरेटेड से इम्पोर्टेंट, अनसैचुरेटेड से इम्पोर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप। इवन अभी फंक्शनल ग्रुप में भी आएगा कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ी देर में आएगा, बट अभी फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। तो ये चेन हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, 1 2 3 4। अच्छा अब ये 3 पे जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा अजीब हो चुका है क्योंकि इसमें बॉन्ड आ गया है। 3rd पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6, 3 पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो। 6 कार्बन है, हेक्स, और 1 पे नहीं, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2-ene हो गया, बट इसे ना आयल बोल लेंगे। कोई बच्चा मुझे बताएगा आयल क्यों बोल लेंगे? मैंने आपको बोला है कि अगर वो चेन के बाहर है तो उसे आयल से एंड करना पड़ेगा कार्बन को, आयल। 3 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, चेन पे, और चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, एंड 1 पे CHO है, ब्यूटेन 1-ol इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे कि ये हो गया कार्बन CHO, ठीक है, इधर लग गए 5 कार्बन। मेन कौन है बेटा जी? ऑब्वियसली मेन है वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है, तो फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे, 1 2 3। अब ये तो चेन के बाहर है, 3, तो साइक्लो। 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट, चेन के बाहर है, साइक्लो पेंटाइल। चेन पे आओ, चेन में कितने कार्बन है, 3, प्रोप, और उनके कार्बन को आप चेन में इंक्लूड कर चुके हो, प्रोपेन 1-ol इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि ये हो जाता BR और इधर हो गया CL। इसका कमेंट सेक्शन में नाम आप लोग खुद कर देना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 तो हो चुका है ना पहले, आई थिंक हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा ये ना अगर ऐसा हो जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, जैसे इधर CHO लग गया, इधर CHO लग गया, इधर CHO लग गया, अगर इस तरह से कभी कुछ हो जाता है ना, तो आप आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देते हो। क्या करते हो? आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। आइडेंटिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि देखो, अगर यहाँ पर 2 CHO होते तो आप उन्हें चेन में इंक्लूड कर लेते, बट इधर 3 CHO, आप उन्हें चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और जब आप उसे चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आइडेंटिकल ट्रीटमेंट ये है कि सबको ही चेन से बाहर कर दो। तो 1 2 3, अब चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हो तो प्रोपेन है ना, और 1 पे 2 पे 3 पे 3 CHO हैं, ट्राई। और CHO जब चेन के बाहर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बन डी
हाइड, क्या बोलते हैं बेटा इसे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल डी हाइड। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसे, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है COOS से। मेरी घड़ी में 12:45 होने को है, दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है ना सर, अच्छा दिखाई नहीं देगा, सुबह के हो रहे होंगे, रात के हैं भाई। चलो तो COOH है, और COOH को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। अभी आजकल क्या है ना, नॉर्थ इंडिया में आजकल बारिश हो रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है ना, भगवान जी चिल मोड पे हैं आजकल। ठीक है तो चलिए इसका नाम करना है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन, दिस विल बी योर चेन। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इनका कार्बन चेन में आएगा, और जहाँ ये खड़े होते हैं लाइन में से शुरू होती है 1, 2, 3। तो प्रोपेन एंड वन पे COOH है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाता, सिंपल है, तो ये हमारी चेन हो जाती। ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 हमारा काम है, फंक्शनल ग्रुप जल्दी आए। तो इसे क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, 4 पे डबल बॉन्ड है ईन, और फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे बाद में आता है, 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है अच्छा, अगर मान के चलो ये ऐसे हो जाए, ये COOH, इसको कैसे करेंगे, वही वाली बात है कि अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप COOH के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो ये 1, 2, 3, 4 तो साइक्लो, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, एंड 1 पे COOH है, बट उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हो, तो उसका सिंपली नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे जैसे कि ये है COOH, है ना। अब आपने चेन सेलेक्ट कर ली, ये तो हमारे पास चेन हो गई, अब क्या होगा, अब कुछ भी करके आप इन तीनों को मतलब आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देना है, तो तीनों को चेन से बाहर किया, तो 1, 2, 3 तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 3 बार COOH है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है और यहाँ से भी एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपके लिए, है ना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है एल्डिहाइड की तरह, बट ये ओइक एसिड होता है। ठीक है इधर बी आर करता हूँ, हाँ सिंपल है। ठीक है ट्राई कीजिएगा इसका नाम भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एस्टर। एस्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एस्टर इज COO, है ना, इधर आर आर, इधर आर डैश कर लेते हैं। इधर ना जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा होता है ना, उसका नाम आप पहले करते हो, इसे क्या बोलते हो, अल्कलाई, अल्कलाई नहीं अल्काइल, और इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो एल्कनोएट, क्या बोला जाएगा इसे, अल्काइल एल्कनोएट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्बन की चेन है जैसे, तो पहले आपने इसका नाम करना है, एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या बोल देंगे, मिथाइल, और इसे क्या बोल देंगे, अब इनका कार्बन, ये 3 कार्बन है, मिथाइल प्रोपानोइट। ठीक है जैसे कि ये ऐसे हो गया, अब पहले इनका नाम होगा, 2 कार्बन है तो इथाइल, और फिर इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटानोइट, क्लियर है, इथाइल ब्यूटानोइट, इस तरह से इनके नाम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है, बेंजीन को कहा जाता है। ठीक है ना तो क्या कीजिए भाई, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये ऐसे ही बनी हो सकती है इस तरह से। ठीक है अच्छा, अगर कहीं पर
दो बंजीन साथ साथ लगी हो, दो बंजीन लगी हुई हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? नेप्थलीन। और बेंजीन के केस में ना ज्यादातर कॉमन नेम चल जाते हैं, जैसे कि अगर तीन बेंजीन साथ साथ लगे हों भाई, तो उसे क्या बोल देते हैं? एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। ठीक है, अब जैसे बेंजीन के ऊपर सीएल लगा हुआ, तो इसे आप लोग क्या बोल दोगे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर सी एस सी लगा हुआ, तो इसे क्या बोल दोगे? फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो फर्स्ट पोजीशन पे है मिथाइल बेंजीन। बट इसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज नोन एज टॉलविन। क्या बोलते हैं ब्रो? टॉलविन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बेंजीन के ऊपर बी आर सी एल लग गए, तो अब आपके पास ऑप्शन, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन दे सकते हो। ऑब्वियसली आप फर्स्ट पोजीशन उसको दोगे, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो फर्स्ट पोजीशन आप उसको दोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो ये वन, ये टू, वन पे बी आर है, वन ब्रोमो है ना, टू पे सी एल है, टू क्लोरो, वन ब्रोमो टू क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, वन ब्रोमो टू क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ओके, बहुत शानदार, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बेंजीन के केस में एक खास बात होती है, बेंजीन की किसी एक पोजीशन पर लगा हो ना, तो उसको फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। अब उस फर्स्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मैंने जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन मान ली है, अब ऐसे केसेस में आप लोग क्या करोगे? देखो, आपने एक शब्द याद रखना है, ओमपाल। क्या याद रखना है? ओमपाल। ओ एम पी, सिमिलरली ओ एम पी। वन टू है, वन टू पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, या फिर फर्स्ट सिक्स पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं ओ। ओ बोले तो ऑर्थो। वन थर्ड पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, या फिर वन फिफ्थ पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं एम। बोले तो मेटा। और वन फोर्थ पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं पी। पी मीन्स होता है पैरा। ठीक है ना, अब देखो, जैसे कि इधर है वन पे और टू पे दो सी एल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा वन टू, दो जगह पर सी एल हैं, डाई क्लोरो, वन टू डाई क्लोरो बेंजीन आप लोग बोल सकते हो। इधर वन टू थ्री, अब ये मत बोल देना सर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब कोशिश ये करते हैं नंबरिंग करते रहें कि मिनिमम लोकेंड जल्दी जल्दी आए वो। ठीक है, किस तरह से आप लोग उसे जल्दी लेके आ सकते हो, पर्पज आपका ये होना चाहिए। तो फर्स्ट पे और थर्ड पे दो जगह बी आर है बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे? वन थ्री, दो बार बी आर है, तो डाई ब्रोमो, वन थ्री डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और ये वन टू थ्री फोर, वन फोर, दो जगह पे आयोडीन है, डाई आयोडो, वन फोर डाई आयोडो बेंजीन। ठीक है, अब ये जो वन टू डाई क्लोरो बेंजीन है, वन टू को आप लोग क्या भी बोल सकते हो? ऑर्थो। ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, वन थ्री डाई ब्रोमो को आप लोग मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हो, और वन फोर डाई आयोडो को पैरा डाई आयोडो बेंजीन भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। क्लियर? आगे, अच्छा, इधर ना एक थोड़ा सा याद रखना, जैसे बेंजीन के ऊपर सी एस थ्री लग जाता है, बेंजीन के ऊपर सी एस थ्री लग गया, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलविन बोल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे बेंजीन के ऊपर लग गया है आप लोगों का सी एच टू, सी एच टू और एक ग्रुप इधर, इसको बोल देते हैं बेंजाइल। जैसे बेंजीन के ऊपर लग गया है आपका सी एच और इधर उधर ग्रुप, तो इसे बोल देंगे बेंजल। और बेंजीन के ऊपर जैसे ना इधर कार्बन लग गया है और फिर इधर उधर ग्रुप, तो इसे बोल देंगे बेंजो। टॉलविन, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, चलो, अब जैसे बेंजीन के ऊपर ओएच है, बेंजीन अल्कोहल बोल सकते हो, बट इसका मैंने बोला ना इनकी कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, तो उन पे थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बेंजीन के ऊपर ओएच को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? फिनोल।
बेंजीन के ऊपर NH2 है, बेंजीनामाइन बोल सकते हैं इसे, या फिर इसका ना बेंजीनामाइन, बट इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, दैट इज एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बोल देते हैं। बेंजीन के ऊपर OCH3 है, इसे बोलते हैं मिथोक्सी बेंजीन, या फिर इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, दैट इज एनिसोल। ये क्या है? इसे बेंजीन और CHO का कार्बन तो आप चेन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे, इसे बोलते हैं बेंजीन कार्बनडिहाइड, बट इसे बहुत पॉपुलर बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन CWH, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसका कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजीन COCl है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। ये 1, 2, 2 पे OH है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बट इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये 1, 2, अब ये हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हो OH को, ये अभी एक मिनट बाद समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। 2 पे OH है, 2 पे OH को क्या बोल लेंगे? हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पे CHO क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड, अभी क्या ही है, बट इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, दैट इज सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। बेंजीन CH2Br है, बेंजीन के ऊपर CH2 ने बोला था बेंजाइल और Br है, तो इसे बोलेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजीन COCH3 है, दैट इज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं यार, जैसे ना बेंजीन के ऊपर लग गया N2Cl, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन है, तो बेंजीन और दो नाइट्रोजन है तो डायाजोनियम, डायाजोनियम, और Cl को क्या बोल देंगे? क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। जैसे कि ये है बेंजीन और इधर आपका लग गया ऊपर भी CWH और नीचे भी CWH, इसे क्या बोल देंगे? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बहुत फेमस है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ओके। और क्या है? और बस जनरली यही है, क्लियर? बहुत शानदार। तो यहाँ पर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमन क्लेचर कर चुके हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमन क्लेचर कर चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप का नोमन क्लेचर कर चुके हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमन क्लेचर कर चुके हैं। कहानी में ट्विस्ट कब आ जाता है? देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक जंगल में एक शेर है तो नो डाउट वो शेर राजा बन जाएगा, बट अगर एक जंगल में 2-3 शेर हैं तो उधर कॉम्पिटिशन होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। यहाँ पर अगर एक चेन में एक फंक्शनल ग्रुप है जैसे अल्कोहल है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज होंगे, उसके अकॉर्डिंग नाम होगा ओल लग जाएगा। एक चेन में एक फंक्शनल ग्रुप है CWH, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज को वो चेंज करेगा और उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा दैट इज ओइक एसिड। बट अगर एक चेन में मान लो CWH भी है, उधर OH भी है, उधर NH2 भी है, ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में हमें देखना होगा प्रेफरेंस ऑर्डर। जब एक चेन में एक से ज़्यादा अलग अलग नेचर के फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप, तो उसको आपको देखना पड़ता है कौन क्या है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया है, सिंपल है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके एसिड होते हैं प्योर एसिड, ठीक है ना, और फिर आपके क्या होते हैं भैया इधर, इसके बाद आपके आ जाते हैं एसिड के डेरिवेटिव, ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव, जैसे कि COOR हो गया, एस्टर हो गया, है ना, COCl हो गया, CONH2 हो गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, फिर सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और बाकी अगर आप में से कोई इसकी अच्छी ट्रिक बना सकता है मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है, मुझे आजकल टाइम नहीं लग रहा है, और अगर मुझे ट्रिक मिलेगी मैं जरूर इसकी एक ट्रिक बना दूंगा, बट मैं चाहूंगा आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताएं, मिलकर मेहनत करनी है ना, थोड़ी सी मेहनत तुम लोग भी करो। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में, उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होते हैं ना जब उनसे एसिड से कुछ पंगे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन्स, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, अमाइन हो गया, ये वाला फंडा है। अब देखो आपको इनके नाम तो पता है ना,
जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, अल्काइल एल्कनोइड बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड को अल, इसे क्या बोलते हैं ओन, इसे क्या बोलते हैं ओल, है ना, अल्कोहल को ओल बोलते हैं, इसे थाइओल बोलते हैं, इसे अमाइन बोलते हैं। आपको इनकी प्रफिक्सेस याद रखनी पड़ेगी कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तब क्या, तब कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सी बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड को सल्फो बोलते हैं, ठीक है, सी डबल ओ ओ आर को एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं, सी ओ सी एल को हेलोफॉर्माइल क्लोरोफॉर्माइल बोल देते हैं, और सी ओ एन एस टू को कार्बोमाइल बोलते हैं, सी एन को साइनो, एन सी को आइसोसाइनो, ठीक है, एल्डिहाइड को फॉर्माइल बोल देते हैं, ऑक्सो बोल देते हैं, इसकी अलग स्टोरी है, फॉर्माइल कब बोलते हैं, ऑक्सो कब बोलते हैं, कीटोन को आप जो मर्जी बोल दो, ऑक्सो कीटो एक ही बात है, ओ एच को हाइड्रोक्सी बोल देते हैं अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, थायोल को मर्सेप्टो बोलते हैं और एन एस टू को अमीनो बोलते हैं। अब तुम बह गए, अब मैं तुम्हें बहने से थोड़ा रोकता हूँ, समझाता हूँ। अब देखो यार, यहाँ पर ना कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इधर एनओ टू फंक्शनल ग्रुप है, इधर ओ एच फंक्शनल ग्रुप है, इधर सी डब्ल्यू एच फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है इधर फंक्शनल ग्रुप कौन है सबसे इंपॉर्टेंट? बेटा नो डाउट विनर है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ठीक है। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखो क्या होता है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं तो इसका नाम नाइट्रो होता है और इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। याद रखिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट बचते हैं और उनको सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्रीट करोगे, ठीक है। चलो बहुत शानदार। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम किसका आएगा? थ्री। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। एंड टू पे NO2 है, टू नाइट्रो। एंड चार कार्बन है, ब्यूटेन। वन पे सी डब्ल्यू एच है, ब्यूटेन वन ओइक एसिड, ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी डब्ल्यू एच से ना मतलब इजी हो जाता है हमारे लिए प्रेडिक्ट करना। अब यहाँ पे तो सिंपल है हमारे पास कि भाई कौन विनर है। ओके, मैंने गलती कर दी, ये जो सी डब्ल्यू एच है इसका कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। ये नंबरिंग कर दो भाई, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसको एन एच टू को क्या बोलते हैं? जब ये सब, अब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कहीं इसको बोलते सर अमाइन बोलते थे, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा ये। देखो यार, अभी मैं तुम्हें मतलब पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकते यार ना, अच्छा नहीं लगता वो। अब एक ही बंदा बनेगा ना पीएम, अब जो सारे पीएम कैंडिडेट थे वो तो सारे अब क्या हो जाएंगे, वो तो प्रजा बन जाएंगे। तो अब ये सारे प्रजा बन चुके हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप की दौड़ में थे, बट फंक्शनल ग्रुप उधर कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, तो ठीक है ना। तो इस एनएच2 को क्या बोल देंगे? अमीनो। पॉलिटिकल कमेंट क्यों नहीं कर सकते सर, ये ना सबका वन टू वन होता है, ठीक है, एक टीचर का काम पढ़ाना है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाते हुए। इसको ऑक्सो किटो जो मर्जी बोल दो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आओ, टू पे एनएच2 है, टू अमीनो, ठीक है ना, और थ्री पे ओएच है, हाइड्रोक्सी, और भाई साहब फोर पे किटोनिक ग्रुप है, फोर ऑक्सो, चेन में कितने कार्बन है? पांच, तो पेंटेन। एंड वन पे सी डब्ल्यू एच है, वन ओइक एसिड, ओ हो। चलो जी बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। ये चेन, ये ऊपर वाला खुद कर देना, एक आधा खुद ट्राई कर लिया करो, तुम भी ना बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो, छः हो गया ना, ये सातवां तुमने खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इधर आ जाओ, वन टू थ्री फोर, है ना। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसे क्या बोलते हैं? मीथो ऑक्सी, और इसे क्या बोलते हैं? क्लोरो। ये तो सेमी फंक्शनल ग्रुप हैं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं, इनकी तो कोई इज्जत भी नहीं होती वैसे भी, ठीक है। तो थ्री पे है, थ्री पे नहीं, फोर पे क्लोरो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आएगा ना, फोर क्लोरो, और थ्री पे ओ सी एस थ्री है, थ्री मिथोक्सी, और चेन में कितने कार्बन हैं? चार, तो ब्यूटेन। एंड वन पे सी एच जो है, ब्यूटेन वन, अल इसका नाम हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि ये हो जाए, इसमें कौन मेन होगा आउट ऑफ ओ एच एंड एन एच टू? ओ एच ऊपर है, देख लीजिए, ये रहा अल्कोहल और ये रहा अमाइन, तो अमाइन को उसकी प्रजा बनना पड़ेगा। तो वन टू थ्री फोर, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसे बोलेंगे अमीनो, तो इसका नाम हो जाएगा टू अमीनो, ठीक है, टू अमीनो। चेन में कितने कार्बन है? चार, तो ब्यूटेन। एंड वन पे ओ एच है मेरे भाई, तो ब्यूटेन वन और, ठीक है ना। अब देखिए इसका करेंगे नाम
तो इधर ये चेन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और अंतिम साथ से गिन रही है क्लास, ठीक है। इधर से नंबरिंग करेंगे ऑब्वियसली, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, 1, 2, 3, 4, है ना। 3 पे OH है, इसको CH3 को काट देते हैं, 3 पे OH है, 3 हाइड्रोक्सी, और चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन है ना, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और 2 पे कीटोनिक ग्रुप है, ब्यूटेन 2-1। इसका नाम, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8th हो जाएगा। इसका नाम भी आपने खुद से ट्राई करना है। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, चेन तो हो जाएगी, ये फर्स्ट पोजिशन होगा। चलो इसको मैं करा देता हूँ, छोड़ो ये थोड़ा सा ना तुम्हें। अब देखो फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, अब ये मत बोल देना सर OH भी तो फंक्शनल ग्रुप है, वो अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। अब उस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और इधर दो कार्बन है, इसे बोलते हैं इथाइल। तो हमने किसको जल्दी लेके आना है, इसको जल्दी लेके आना है, 3, 4, 5, 3 पे दो कार्बन है विच इज नोन एज इथाइल। अब वो फंक्शनल ग्रुप के बाद वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे, और सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिक ऑर्डर देखोगे अगर सेम पोजीशन है तो, 3 इथाइल, 5 पे OH है, 5 हाइड्रोक्सी, चेन में कितने कार्बन है, 6 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो 6 कार्बन क्या बोलेंगे, हेक्सेन, एंड 1 पे ये 6 कार्बन थे हेक्सेन, 1 पे कीटोनिक ग्रुप है, 1-1, ठीक है ना, बहुत शानदार। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे हो चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा कॉमन नॉमन ग्रेचर देख लेते हैं, मेरे मन में गलत फहमी है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन नॉमन ग्रेचर देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ना ये भी थोड़ा सा बच्चों को हैंग कर देता है। कॉमन नॉमन ग्रेचर, देखिए जैसे कार्बन की चेन है, इसे क्या बोल देंगे, ये सिंपल चेन है ना, इस सीधी चेन को बोल देंगे एन, 5 कार्बन है पेंटेन, ठीक है, जैसे एक कार्बन की चेन है। अगर सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो इसे बोलते हैं आइसो, इसे बोल देंगे आइसो, और टोटल कार्बन काउंट करते हैं पेंटेन, आइसो पेंटेन, ये कुछ ऐसे इस तरह से होता है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये जो होता है ना, ये आइसो के लिए होता है। अगर मान के चलो ऐसे हो जाए, ऐसे अगर सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं, नियो, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन, नियो पेंटेन, गेटिंग माय पॉइंट। अगर सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं, ये कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कार्बन कितने तीन थे ना, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लग गए, गेटिंग माय पॉइंट और नोट। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की सीधी चेन है, तो इसे बोल देंगे एन हेक्सेन, इसका नाम क्या होगा, कार्बन काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, ये क्या है फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत शानदार। तो ये हेक्सेन नहीं होगा, ये हेप्टेन होगा। और अगर आप इसमें देखते हो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, इस तरह से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए। तो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो इसे क्या बोल देंगे, आइसो, आइसो, और टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए हेप्टेन, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, और ये सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ना कुछ ऐसे हो गया, अच्छा एक बार मैं तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि ये कार्बन है, इस पर OH लग गया, और ये कार्बन ना तीन तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ये ऐसे भी हो सकता है OH, जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन तीन तरफ से कार्बन से घिरा हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, TRT, टर्शियरी, टोटल कार्बन है 4, ब्यूटाइल,
अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर ऐसे हो जाता मान के चलो, अब जिस कार्बन से OH लगा है, इस कार्बन से OH लगा है तो ये दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये क्या होगा सेकेंडरी, और टोटल कार्बन काउंट करो तो ब्यूटाइल, और उसी कार्बन से OH है अल्कोहल। ठीक है, अगर उसी कार्बन, वही कार्बन तीन कार्बन से जुड़ जाएगा, वही कार्बन दो, तो टर्सरी सेकेंडरी हो जाता है। जैसे मैं आपसे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना इसका नाम क्या होगा, जैसे कि ये है, या चलो मैं आपका काम इजी कर देता हूँ। तो इसका नाम होगा, जिस कार्बन से NH2 ग्रुप लगा वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है टर्सरी, और भाई साहब ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और NH2 को क्या बोल देंगे हम लोग अमाइन, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन इसका नाम हो जाएगा। और अगर यहीं पर आप लोगों ने बताना इसका नाम क्या होगा, अच्छा एग्जाम्पल है, ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, अब ये तो कार्बन्स की बात होगी। अगर मान के चलो कि ना ऐसा है OH लगा हुआ है और ये ऐसे है, अब आप फोकस करो कि क्या हुआ है, उस कार्बन से OH नहीं लगा हुआ, OH तो एंड पे लगा हुआ है, बट सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। टोटल कार्बन देख लो, एक दो तीन चार और एक, तो इसका नाम होता है क्या बोलते हैं इसको आइसो, पांच कार्बन को पेंटाइल, बहुत अच्छा पेंटाइल लिखा था मैंने, पेंटाइल। और OH को क्या बोल देंगे अल्कोहल, या आइसो पेंटेन भी बोल सकते थे, बाकी ये चल आइसो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, मान के चलो ऐसा हो जाए, जैसे ये हो जाए, बताइए इसका नाम क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच, तो नियो पांच कार्बन क्या बोलेंगे पेंटाइल, नियो पेंटाइल, एंड NH2 को क्या बोल देंगे भाई अमाइन, नियो पेंटाइल अमाइन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका नोमेनक्लेचर खत्म होता है। मेरे हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर में कोई डाउट नहीं रहेगा, बट मैं बोलूँगा कि इंडियन ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगती है। मैंने बेटा जी कोशिश की है कि आपको एक छोटी वीडियो में जितना ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है वो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और बहुत जल्द हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। इस वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 1000, कमेंट गोल रखते हैं 500, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट ले आएंगे, जिसमें हम आइसोमेरिज्म, उससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट, अबाउट मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म के एक दो पार्ट करने पड़ेंगे हमें, और फिर बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर 12th की ऑर्गेनिक पढ़ना फील आएगी। और बस अगर आपका लाइक करने का दिल नहीं है, वीडियो अच्छी लगी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।